एडिशन, उसमें क्वेश्चन था क्या था पहला क्वेश्चन? पहला तो बना दिया था हमने। दूसरा क्वेश्चन क्या था? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एट राइट एंगल इज 5 न्यूटन व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। द रिजल्टेंट इज रूट अंडर 13 न्यूटन। द टू फोर्सेज आर द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एट राइट एंगल इज 5 न्यूटन, और वही दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल 120 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट रूट अंडर 13 हो जाता है। तो बताइए दोनों फोर्स कितना कितना होगा? 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। कैसे कैसे हुआ बताओ? अगर एक वेक्टर ये ले ले, एक ये ले ले, रिजल्टेंट निकालना था ना, ये ले ले, ये 5 न्यूटन है और मान लो ये ए है और ये फोर्स है ना, एक को एफ वन मान ले और दूसरे को एफ टू, और रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फोर्स है जो एक फोर्स पे क्या है, परपेंडिकुलर, और यही दोनों फोर्स अगर 120 डिग्री एंगल बनाए एफ वन एंड एफ टू, कितना एंगल? 120 डिग्री। तो इसके पैरेलल लाइन ये खींचेंगे और इसके पैरेलल लाइन ये खींचेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि एफ वन एफ टू का वैल्यू है। तो अब ये बोल रहा है रिजल्टेंट फोर्स हो गया कितना, इसका मैग्नीट्यूड हो जा रहा है कितना, रूट अंडर 13 न्यूटन। अच्छा, बीच का एंगल बोल रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो बीच का एंगल है तब तो और आसान है, मतलब तब तो और आसान है। देखो, एक फोर्स बनाया हमने ये एफ वन और दूसरा एफ टू, इसका रिजल्टेंट ये वाला होगा, इसका हेड है और इसका टेल है ये वाला रिजल्टेंट, और ये कितना दिया हुआ रिजल्टेंट वेक्टर? 5 न्यूटन। एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बताना? रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ये बताओ एफ वन को थोड़ा आगे बढ़ाएं और ये एफ टू, दोनों के बीच का एंगल, पहले वाले केस में थीटा का वैल्यू 90 रख दे तो मेरे को रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो होना चाहिए रूट अंडर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर। अब थोड़ा ऑप्शन से बनाना सीखेंगे, ऑप्शन पकड़िए क्या क्या है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे सर, मसूद भाई बोलिए, क्लास में उसमें देखे नहीं ये, थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, आधे घंटे में कॉल करते, ठीक बोलिए जी। अब बोलिए पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, अगर ये 180 डिग्री है तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? 120 डिग्री है। एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 120 डिग्री कितना होता है? -1/2 लिख देते, माइनस, ये 2 कट जाएगा। तो एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट अंडर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर माइनस एफ वन इंटू एफ टू। पहला ऑप्शन बताइए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। रूट अंडर 12 एंड रूट अंडर 13 न्यूटन। तो बताओ तो मुझे एफ वन के जगह पे रूट अंडर 12 ले ले और एफ वन का स्क्वायर करें तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर 12 प्लस रूट अंडर 13 का स्क्वायर 13 12 13 25 25 का रूट 5 ये आ जाएगा 5। इसमें रिजल्टेंट कितना के बराबर है? 5 न्यूटन। और इसमें रिजल्टेंट कितना के बराबर आना चाहिए? रूट अंडर 13। तो ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें देखिए रूट अंडर एफ वन की जगह पर रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 12 इंटू रूट अंडर 13।
देखिए तो ये 13 आता है कि नहीं, ये 12 है, रूट है तो 12 और प्लस 13 25 माइनस रूट अंडर 12 इंटू 13, क्या ये रूट अंडर 13 के बराबर है? ये नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन छट गया है ना। फिर दूसरा ऑप्शन बताइए क्या होगा। जी सलाम वालेकुम। नहीं नहीं वो आगे चले गए, हाँ उद्यान की तरफ, इधर ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी का शोरूम है। हाँ, ब्लैकबेरी से सटे हुए गली में आइएगा, ठीक है। जी 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 उसी में आते ही येलो कलर की बिल्डिंग दिखेगी, सेकंड फ्लोर पे आ जाइए। ठीक शिवशंकर, हाँ गया शिवशंकर, अंदर तो बंद नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या था? रूट 20 एंड 25, रूट अंडर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20, रूट अंडर 5 का करोगे स्क्वायर तो 5, 20 प्लस 5 25, रूट अंडर करोगे 5 तो आ जाएगा। चलिए इसमें करते हैं, इसमें आ जाएगा रूट अंडर 20 का स्क्वायर 20, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5, 20 5 25, और यहाँ 20 गुने रूट 5 था ना, एक ही रूट में ले लो, 20 गुने 5 कितना 100, 100 का कितना इधर आया तुम्हारा कितना 25, और माइनस 10 रूट अंडर 15, ये भी नहीं होगा, क्लियर है। अब आइए बताइए सेकंड ऑप्शन क्या, व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन, 4 और 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 9, 25 का रूट 5, यहाँ बोलो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4, 4 था 31 3 था, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 गुने 4 गुने 3, 16 9 25, 25 तो 4 तिया 12, 25 माइनस 12 13, रूट अंडर 13 बन गया। आइए उसके बाद नंबर थर्ड नंबर, टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 60, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 30 डिग्री इज, क्यों? पर है कि दो बराबर बराबर फोर्स लग रहा है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट किधर भागेगा? बीचों बीच, इससे भी 30 और इससे भी मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर बराबर बराबर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी एफ ये भी एफ और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताया था, अगर फोर्स बराबर हो और एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला 2a, तो कितना आ जाएगा 2f cos, f मान लो फोर्स है तो, और थीटा रख दो 60 डिग्री, 60 बाई 2 30 डिग्री, cos 30 रूट 3 बाई 2 कट जाएगा, कितना होगा a रूट 3। तो क्वेश्चन क्या बोला, देखो दो वेक्टर है, ये भी a है और ये भी आइडेंटिकल वेक्टर है और एंगल कितना है थीटा, तो रिजल्टेंट तो इसके बीचों बीच जाएगा, रिजल्टेंट इसके बीचों बीच जाएगा और इधर के भी थीटा बाई 2 बनाएगा और इधर से भी थीटा बाई 2 बनाएगा। शिवशंकर एक फोन ले लो, फोन आएगा बैठाना, पेरेंट आ रहा। चलो देखो यहाँ पे, उसके बाद मैंने क्या बोला कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताए थे 2a cos थीटा बाई 2, तो 2a cos 60 बाई 2 कितना 30, 30 कितना होता भाई रूट 3 बाई 2 काट दो, कितना आ जाएगा a रूट, इसमें तो मैग्नीट्यूड दिया नहीं है, सिर्फ क्या पूछा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहाँ होगा बीचों बीच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है, बनाइए तो 3 आ रहा है, सोच लो, मुझे नहीं लगता कि 3 होगा। चार नंबर सब लोग बनाइए तो,
थ्री वेक्टर पी क्यू आर सच डैट पी का मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर है और आर का मैग्नीट्यूड रूट टू टाइम्स ऑफ पी है और पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर जीरो है। सबसे बड़ा फंडा यही दिया हुआ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर सा है। इसमें लिखा है पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसका डायग्राम कैसा बनाएंगे? ये रेगुलर वेक्टर हुआ, कल बताए थे रेगुलर वेक्टर। कैसे बनाएंगे फिगर? ये रहा P, उसके बाद नहीं मालूम हमको क्या एंगल वेंगल है, अपने मन से बना दिया थे Q। तीसरा R कैसे बनाए? इधर जोड़ दें, एक का हेड दूसरे के टेल से, तब ना रेगुलर वेक्टर है। P प्लस क्यू प्लस आर बराबर जीरो, फिर वहीं आ गए जहां से चले थे। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसमें वैल्यू बैठाइए, ये किसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि P का मैग्नीट्यूड Q के बराबर है, इसका मतलब अगर P को X मानो मैग्नीट्यूड तो Q का मैग्नीट्यूड भी X होगा। और क्वेश्चन में क्या है अगला? और R जो है वो रूट टू टाइम्स ऑफ P है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा X रूट टू होगा। अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तुमको कुछ दिख रहा है, अगर इसको राइट एंगल थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, अभी हमको नहीं मालूम क्या है कि नहीं। तो ये अगर पी है, ये बी है, तो ये एच है, इसका इसका स्क्वायर ये होना चाहिए। तो बोलो इसका स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा रहे हैं। एच कितना है तुम्हारे पास? एक्स रूट टू का स्क्वायर। और इधर पी कितना है? एक्स स्क्वायर। और बी कितना है? बेस एक्स स्क्वायर। इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू रूट टू का टू, इधर भी टू एक्स स्क्वायर, इधर भी टू एक्स स्क्वायर, इधर भी। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देख रहे हो क्लास करा रहे हैं भाई, चलो बताओ कितना होगा? ये भी बराबर हो गया तो इस पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। हमने जो माना है वो सही है। तो अब हम फिगर फिर से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझाएं। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा हमारा P और ये रहा Q और ये रहा R, ऐसे। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है? अब आपसे एंगल पूछा गया है, किसके बीच एंगल पूछा गया? P एंड Q के बीच, Q एंड R के बीच, R एंड पी के बीच। ये बताओ एंगल का फॉर्मूला क्या बताता है? कॉन्सेप्ट, हाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हाँ, दोनों का टेल साथ में ले आए, जो स्मॉलर एंगल होगा वही ना एंगल होगा। पी और क्यू का दोनों का टेल है एक साथ, क्या करें? इसको आगे बढ़ाएं, पी बढ़ गया आगे, अब पी का टेल आ गया। डॉटेड लाइन से आपको अपने कॉपी में दिखा सकते हैं। और ये क्यू है, दोनों का टेल, दोनों के बीच का एंगल, ये 90, इधर भी 90 होगा ना स्ट्रेट लाइन। तो पहला का आंसर कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? अब ये बताओ ये साइड और ये साइड तो बराबर है, ये एक्स ये एक्स, ये एंगल कितना होगा? बराबर होगा। अब तीनों एंगल का योग कितना होगा? सम 180 डिग्री। 180 में ये वाला 90 ले लिया और 90 बचा, और ये माटेगा, कितना होगा? 45 डिग्री। लेकिन आंसर नहीं है वो, आंसर आप Q और R के बीच का एंगल निकालना है। तो Q देखिए, ये वाला Q है और ये वाला R है, ये Q है और ये R है। क्या दोनों का टेल एक जगह पे है? नहीं है तो क्या करें? दोनों के टेल की जगह लाए, किसके टेल को आगे बढ़ाए? Q को, Q को क्या करें? धीरे धीरे ऊपर गया, यस और नो? अब बोलो Q का टेल और R का टेल है, तो इसके बीच दो एंगल है, ध्यान से देखना, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। छोटा एंगल कौन सा है? ये वाला। तो हम ये वाला एंगल लेते हैं ऊपर वाला। और टोटल एंगल कितना है इसके ऊपर? 180 में से कितना घटा दे? 45। कितना बचेगा? 135। इसके बीच का कितना होगा? आया समझ में? अब आ जाओ, किसका बचा? आर एंड पी। देखो आर किधर है, ये, और पी किधर है, इधर। क्या दोनों का टेल एक जगह है?
किसका टेल नहीं है? आर के टेल को लाए, घसका दे इधर। वेक्टर कैन बी स्लाइड, वेक्टर कैन बी फ्रीली मूव। ये वाला एंगल बताओ, टोटल 180 में से 45 घटा दे कितना आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बोलो। चलिए एक फोटो खींच लीजिए बना जल्दी। प्रॉब्लम में भी फोटो खींचेगी, थ्योरी थोड़ी है। लेट नाइट भेजे थे हम ना, मॉर्निंग में नहीं बनाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, 5 नंबर।
हाँ जी फिफ्थ बोलिए, पांचवा नंबर क्या था, किससे बन गया फिफ्थ? द रिजल्टेंट ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। तो बताइए अल्फा और बीटा कब बड़ा होगा और कब छोटा होगा? सिंपल सा तरीका है, ड्रॉ द डायग्राम एंड गेट द आंसर। वेक्टर ए कितना बना रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना बना रहा है? अल्फा। और वेक्टर बी से कितना बना रहा है? बीटा। चलो देखो कितना आसान है, कुछ बातें प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लाइक ये ए और इतना ही बी ले रहे हैं इधर, मान लो जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा बी है। देखो लंबाई चेक कर रही है, इतना यहाँ भी, इसका रिजल्टेंट लिखोगे इधर और इसका रिजल्टेंट इधर, सॉरी इसका लाइन पैरेलल ये खींचेंगे, इसके पैरेलल ये और ये वाला मिला दे, ये रिजल्टेंट होगा। ए से कितना बना रहा है? अल्फा। और ये बी से कितना बना रहा है? बीटा। यहाँ जब ये दोनों बराबर होगा तो ये तो बीचों बीच जाएगा, तो जितना अल्फा से बनाएगा उतना ही, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया तो अल्फा बराबर बीटा हो गया। ये चेक करना ये सही है। अब एक काम करो, ये ले लो ए ताकि आपको दिखे, और ये ले लो बी। इस बार ए बड़ा है बी से, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, रिजल्टेंट निकालना है, इसके पैरेलल लाइन ये खींचेंगे, इसके और इसके पैरेलल लाइन ये खींचेंगे और इसको मिला दिए, ये रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट इससे बना रहा है अल्फा और इससे बना रहा है, यहाँ अल्फा बड़ा दिख रहा है कि बीटा? तो ये हो गया बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। और ये एक सीख भी मिला यहाँ पे कि अगर ए वाला बड़ा है तो उसका अल्फा छोटा है, अगर ये बड़ा है तो उससे एंगल कम बनाएगा, ये छोटा है तो उससे एंगल, इसका मतलब इससे ये भी मिल गया कि अगर बी बड़ा हो ए से तो बी का मैग्नीट्यूड अगर ए से बड़ा हो तो बीटा छोटा होगा और अल्फा बड़ा होगा किससे? अब ऑप्शन में खोजिए, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। थ्री नंबर है तो मार लीजिए थ्री नंबर, थ्री में क्या बोल रहे हैं? पहला में क्या है? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। जब तक ए और बी का वैल्यू पता नहीं हो तब तक कौन बड़ा है कौन छोटा है हम डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन, अगर अल्फा बीटा से छोटा है तो ए छोटा होगा बी से, नहीं उल्टा होता है, अल्फा छोटा है तो बी बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स देन द फोर्सेज आर। कल हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, दो वेक्टर बनाइए और उसका रिजल्टेंट किसी एक पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, बताया था, ड्रॉ करवाया था आपसे, वही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। The sum of the magnitude of two forces acting at a point is 16 newton. The resultant force is 8 newton and its direction is perpendicular to the smaller force. इसको मिटाऊं मैं, ये वाला कान हो गया। तो एक ऐसा दो वेक्टर बनाओ कि रिजल्टेंट उस पर परपेंडिकुलर हो छोटे वाले पे। तो मान लो एक ऐसे ले ले, एक ऐसे ले ले, देखो ये मान लो एक फोर्स है F1 और दूसरा है F2, तो बोलो F1 का हेड है और F2 का टेल है, तो इसका टेल है इसको हेड मिलाने वाला रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट फोर्स इस पे परपेंडिकुलर है, जिस पे परपेंडिकुलर है वो छोटा वाला फोर्स है, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कि एफ वन का मैग्नीट्यूड और एफ टू का मैग्नीट्यूड अगर जोड़ दिया जाए तो कितना है, 16। मान लो ये एफ वन एक्स माने तो एफ टू कितना मानोगे कि 16 हो जाए, 16 माइनस एक्स। अगर ये एक्स लोगे तो ये 16 माइनस एक्स जोड़ोगे तो ये कैंसिल, 16 के बराबर आ जाएगा। और मान लो ये स्मॉलर है, क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से स्मॉलर पे ये परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 8 न्यूटन। इसका आपने मैग्नीट्यूड कितना माना, ये वाला 16 माइनस एक्स और ये परपेंडिकुलर है। तो यहां पे P हो गया, B हो गया और ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर बताइए, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, निकल गए। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। करेंगे बाद में। बोलिए, बोलो, एच कितना है, एच कितना है, एच तो कितना है, एक्स 16 माइनस, तो ये 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, ये 8 का स्क्वायर, और बी कितना है, एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर, 16 है 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 32x बराबर 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर, तो 256 माइनस 64 बराबर 32x, घटाओ कितना आएगा, 192। क्या मर्द कटेगा, 6। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स किसका वैल्यू था, एफ वन, ये 6 न्यूटन और ये वाला 16 माइनस 6 कितना, 10, है ना। ब्लेंडर मेरा मोबाइल ले लो, उसके पास होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस क्वेश्चन से हम एक दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, वो क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। अगर ऊपर दिए गए क्वेश्चन में जो आपने सॉल्व किया है, ऊपर दिए गए क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, वो आपको बताना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, एफ वन और एफ टू के बीच का एंगल क्या होगा, बनाया जाए, फिगर बनाइए, एंगल का बताए थे, टेल टेल मिला के बता दीजिए कितना होगा। एफ वन और एफ टू के बीच का एंगल पूछा है भाई, कौन सा एंगल होगा इसमें एफ वन एफ टू के बीच का, ये एफ वन और ये एफ टू है, क्या करें बोलो, इसको आगे बढ़ाए एफ वन को और ये एफ टू होगा, मतलब मेरे से क्या पूछा गया, ये एंगल बताओ क्या होगा। अब बात आती है कि सर वो कैसे निकलेगा, अगर मेरे को ये निकल जाता थीटा तो फाई बराबर क्या लिखते बोलो, 180 में से थीटा घटा देते,
अब बात आती है कि थीटा कितना होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने वाला ये पी है, ये बी है, ये एच है। देखो आप तुमको सब पता है, पी भी पता है, बी भी पता है, एच भी पता है, थीटा निकालना। कौन लगाना चाहोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी लगाओ। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। पी में क्या है, 8, और एच कितना तुम्हारा, 10। 8 बाई 10 मतलब 4 बाई 5, 0.8। पता है कितना होता है ये, इसको रटना है आपको, साइन 53 डिग्री। अभी हम रटवाएंगे भी थोड़ी देर में, कितना साइन 53 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बोलो। देखो इतना का वैल्यू इतना होता है, और ये साइन थीटा का वैल्यू होता है, थीटा बराबर आ जाएगा, यहाँ से उठाओ थीटा बराबर 53 डिग्री, यहाँ घटाओ तो 180 माइनस 53, 180 में से 53 घटाओ, 10 में से 3 गया 7, और ये 7 में से 5 गया 2, कितना आंसर कितना होगा, 127। शिवशंकर 127 डिग्री। हाँ अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि सर एंगल कैसे पता रहे, दो तीन एंगल लिख रहे हैं, ध्यान से देखना जो आपको याद रखना है। इसको मिटाऊं ये वाला, हाँ अरे फोन रख लो अपने ही पास भाई, मेरे को फोन मत दो, एक कोई आ रहे हैं सर तो इनसे बात कर लेना, फोन आया हुआ था अभी, वो लड़का नहीं आया था, उसी के फादर है। देखो यहाँ पे सब याद कर लेना, अभी कॉस 37 डिग्री का वैल्यू साइन 53 डिग्री के, 90 माइनस थीटा, तो कॉस 37 का वैल्यू 90 में से 37 घटा दीजिए 53, ये होता है 4 बाई 5, 0.8, ये रटना है। अब आ जाइए कॉस 53 डिग्री का वैल्यू साइन 37 डिग्री के बराबर होता है, और ये होता है 3 बाई 5 मतलब 0.6। याद रखने का भी तरीका आसान है, दोनों में 5 5 नीचे है, 37 है, ये 53 है और ये 37, 53 बड़ा है कि 33, 53 बड़ा है कि 37, 53 अगर बड़ा है